हेलो गाइस, वेलकम यू बैक टू वन मोर फ्रेश वीडियो ऑफ दिस चैनल। सो बहुत दिनों से मुझे एक्चुअली क्या कहो, मतलब यार जो दही बड़ा है ना, उसका खाने का बहुत क्रेविंग हो रहा था। सो मैंने मम्मी को बताया था, क्योंकि अभी बाहर से तो खाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। सो मैंने मम्मी को बताया था, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, आज बना देता हूँ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ ये रेसिपी, ताकि आप भी ऐसे तरीके से बना के घर में एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दही बड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे सूजी ले लिया है। हाँ जी, सूजी से हम दही बड़ा बनाएंगे। करीबन 200 ग्राम सूजी हमने यहाँ पे लिया है। साथ में हमने एक चम्मच ब्लैक सॉल्ट और एक चम्मच साबुत जीरा, यहाँ पे हमारे पास है 150 ग्राम ऑफ कर्ड। सो अभी जो सूजी और कर्ड और बाकी ये जो रॉक सॉल्ट सॉरी ब्लैक सॉल्ट और जो हमारे साबुत जीरा है, उसको हम एक बैटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो आगे चल के एक वड़े के फॉर्म में इसको फ्राई करेंगे। सो अभी आपको दिखाते हैं कि इसका बैटर फॉर्म किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले सूजी को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद साबुत जीरा एंड ये कौन सा था, ब्लैक सॉल्ट, और अभी इसमें हम कर्ड ऐड कर देंगे। अभी आपको इसको अच्छे से अपने हैंड्स के थ्रू मिक्स करना है, और अगर आपको थोड़ा बहुत मिक्स करने में दिक्कत आता है, यानी कि थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, मतलब कितना आपको चाहिए सॉफ्ट बनाने के लिए। जैसे कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी इस्तेमाल करने वाला है। तो इसका बैटर जब प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मम्मी थोड़ा दिखा दीजिए, हाथ को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए और जनता को थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ जी, तो अभी इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, क्योंकि जो सूजी जो है वो अभी थोड़ा स्वेल होना शुरू हो जाएगा। सो आफ्टर 10 मिनट्स हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप इसका बाकी का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 2000 years later. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत स्वेल हो चुका है, जो सूजी था थोड़ा बहुत स्वेल हो चुका है। सो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ स्पून से भी कम बेकिंग सोडा, हाफ स्पून से भी कम हमने इस्तेमाल किया है, और अभी आप उसको अच्छे से मिलाना पड़ेगा, एकदम बढ़िया से मिलाना पड़ेगा। हाँ जी, एक ही डायरेक्शन में आपको इसका मूवमेंट जो है करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। हाँ जी, सो जब ये हो जाएगा, उसके बाद हम इसको एक वड़ा का शेप देंगे। सो फ्रेंड्स, अभी इसको हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है। सो और जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम आप रखिएगा, ताकि जो वड़ा जो है, वड़ा का शेप में आ चुका ना अभी देख, तो अभी ये वड़ा का शेप जो है, मतलब वड़ा ही है, वो अच्छे से कुक हो सके, मतलब अंदर से कुक हो सके, इसलिए जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम पर आप रखिएगा। तो जब सारे बड़े फ्राई हो जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जो पहले आपको एक फ़ोटो दिखाया था, जिसमें हमने अपने वड़े को फ्राई कर लिया है। सो वड़ा फ्राई होने के बाद अभी इसको हम ल्यूक वार्म वाटर में सोक कर लेंगे। ल्यूक वार्म वाटर में हमने थोड़ा सा पहले से रॉक सॉल्ट ऐड कर दिया था, और अभी हम उसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे। पानी को अब ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, क्योंकि वड़ा जो है वो सूजी से बना हुआ है, इसलिए ल्यूक वार्म वाटर इस्तेमाल कीजिएगा आप। सो अभी धीरे धीरे एक एक वड़ा को हम लोग इस वाटर में इमर्स कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। सो इसमें जो एक्सेस ऑयल था, उसको हमने पहले ही थोड़ा बहुत जो टिश्यू पेपर होता है उससे सोक कर लिया है, और जो बाकी का ऑयल है वो इस पानी में निकल जाएगा। सो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट्स लेटर। सो आफ्टर 5 मिनट्स हमने एक एक वड़ा को निकालना है,
और निकालने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दो हाथों के बीच में इसको रख के प्रेस कर लेना है ताकि जो वाटर इसके अंदर गया है वो निकल जाए। हम सही बोले हैं ना मम्मी? कुछ इस तरीके से। हाँ जी, जैसे आप सुन सकते हैं ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। सो अभी द मेन प्रिपरेशन स्टार्ट्स। दही वड़ा को एक साथ मिलाना है। दही को हमने अच्छे से मिला लिया था, थोड़ा उसको मतलब स्टार कर लिया था अच्छे से। सो अभी इसको अच्छे से फेंट लिया था। सो अभी इसको इसके ऊपर डालना है। दही और वड़ा दोनों को एक साथ मिला दिया, हो गया दही वड़ा। तो बाकी का जो स्टेप है आप एंजॉय कीजिएगा। तो अभी डालते हैं मीठी चटनी। हमारे पास हरी चटनी नहीं है तो हम हरी चटनी को नहीं डाल पा रहे हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद तीखा चटनी, जो हमने एक वीडियो देखा था आपको मैंगो का तीखा चटनी, ये वही तीखा चटनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो था। आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं कुछ म्यूजिक के साथ। और ये जो हम दही वड़ा बना रहे हैं, ये जो वड़ा जो है वो सूजी से बना हुआ वड़ा है, तो बहुत ही ईजी है।